हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो टुडे वी विल कवर द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही ईजिली और ईजी लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन किया है एंड इट विल बिकम वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ओके, चैप्टर 3 इज द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। फाइन, सो हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है आपका, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीप चलेंगे इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली, कि क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी फेस करती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी फेस कर रही है या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है, ये सारी ही आपकी कंट्री की जो है आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब एक इकोनॉमी की, कोई भी अर्थव्यवस्था की, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सारी यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये बेसिकली चैप्टर है, इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हैं। हम ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है जो क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड है आपके, कौन कौन से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं, है ना। फिर हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं। तो यहाँ बेसिकली हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या उनकी रूट प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है ना। और ये कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ये कंट्री फेस कर रही है, सारी ही कंट्री फेस करती हैं अपने अपने लेवल पर। चलिए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबसे पहले। अब इसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, मतलब कैसे स्टार्ट हुई, बेसिकली हुई कैसे है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ह्यूमन वांट्स है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, है ना। अगर आज आपको साइकिल चाहिए तो फिर कल कार चाहिए, कार चाहिए तो उसके बाद आपको फिर हो सकता है कि लग्जरी कार, गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा रेंजेस है फिर, है ना। तो ऐसे ही आपके जो नीड्स हैं, बेसिकली वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए कंट्री को, है ना। आपको जितने भी आपके जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है हमारी कंट्री, हमारी कंट्री या नेचर के पास, आपको पता है अर्थ में रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, क्लियर। तो इस चीज़ को, ये चीज़ बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है बाद में। द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर इनसफिशिएंट। मैंने बताया था कि इतने रिसोर्सेज नहीं है या इनसफिशिएंट है सब लोगों की वांट्स को पूरा करने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने बोला भी था कि अ कंट्री रिसोर्सेज आर इनफ टू सेटिस्फाई एवरी वन नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड। कहने का मतलब है वही, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, इसलिए हम सबकी नीड्स को, सब पर्सन की जो सारी नीड्स हैं उसे, नीड्स सॉरी वॉन्ट्स हैं जो आप कह सकते हो, जो एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं, उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। सो पीपल ऑलवेज हैव द स्कैरसिटी। तो लोगों को हर समय हर कुछ ना कुछ चीज़ की स्कैरसिटी आपके लाइफ में रही ही रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ की कमी आपको अपनी लाइफ में रहेगी रहेगी। अगर आपके पास हो सकता है किसी को फाइनेंशियल की, फाइनेंस की कमी हो सकता है कहीं पे कोई ऐसी जगह रह रहा है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं मिल रहा हो, मतलब हर किसी को, हर ना किसी चीज़ की किसी ना किसी पॉइंट ऑफ में आपको आपको बेसिकली स्कैरसिटी देखने को मिलती है, या इधर या इनकम या गुड्स में आपको, ठीक है। तो स्कैरसिटी मीन्स दैट वी डू नॉट एंड कैन नॉट हैव इनफ इनकम और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल आर डिज़ायर्स। सो कहने का मतलब है, स्कैरसिटी का कहने का ये मतलब होता है, तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि स्कैरसिटी मीन्स कि आपके पास इनफ इनकम या रिसोर्सेज नहीं है ताकि सबके डिज़ायर्स को पूरा किया जा सके। इट मीन्स दैट गुड्स आर द स्केयर्स एंड रिलेटिव टू देयर वॉन्ट्स। कहने का मतलब वेरी सिंपल है कि गुड्स हमारे कम हैं और जितनी उसकी डिमांड है वो या नीड है वो ज़्यादा है, ठीक है, लोगों द्वारा। इट मीन्स दैट गुड्स आर स्केयर्स एंड रिलेटिव टू द प्रॉब्लम, द रीज़न वाई वी फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो है कारण है, क्यों, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा है, बेसिकली अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, ठीक है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि रिसोर्सेज कम है। अब जब रिसोर्सेज कम है तो हर कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसको प्रोड्यूस करें, नहीं प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली ये चैलेंज को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस सिंपली एक कंडीशन है कोई भी कंट्री जो फेस करती है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो सोचती है कितना प्रोड्यूस करें, कितना नहीं प्रोड्यूस करें, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कह सकते हो एक तरह की स्कैरसिटी जो है वो बेसिक फैक्ट है। इकोनॉमिक स्कैरसिटी सा रिफर्स टू अ बेसिक फैक्ट ऑफ द लाइफ, देयर एग्जिस्ट ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू टू विच वी आर एबल टू प्रोड्यूस ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। क्योंकि सिंस हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम जो इकोनॉमिक गुड्स हैं वो भी लिमिटेड ही बना पाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इकोनॉमी टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स,
ठीक है, तो ऑलरेडी सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन फॉर द अल्टरनेट गुड्स एंड यूसेस। कहने का मतलब है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके बहुत सारे यूसेस हैं। अब एक स्टील है ना, स्टील को आप अपने कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होगा, वो वेपन्स बनाने के लिए भी जाएगा, ऑटो मोबाइल कंपनीज के लिए भी चाहिए, है ना। तो हर जगह स्पेस स्टील यूज होता है, लेकिन हमें क्या है, नीड के हिसाब से हमें, ताकि पूरी कंट्री की बेसिकली जो नीड है वो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाए, है ना, एटलीस्ट मतलब नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो बेसिकली वही चीज़ होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें प्रोडक्शन के लिए, ताकि जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाए और हमारी जो 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 बेसिकली कंट्री है वो ईजिली चल पाए, है ना, ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सो इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो कह सकते हो अदर, ये भी कह सकते हो कि प्रॉब्लम वो बेसिकली चॉइस है, कि आपको चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा गुड बनाए, कौन सा गुड नहीं बनाए, कौन सा गुड कितनी क्वांटिटी में बनाए, क्योंकि आपके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, है ना। तो रिसोर्सेस लिमिटेड है इसलिए जो आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ी हुई है आपके सामने, वही बेसिकली आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंस द रिसोर्सेज आर स्केर्स। और देखो ये हर कंट्री में है, ठीक है, यूएसए में भी ऐसी बात नहीं, रिसोर्सेज स्केर्स है, उन्हें अपने लेवल पे स्केर्स लगते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री पे अपने लेवल पे स्केर्स हैं। सो दे हैव अ अल्टरनेट यूसेज, आपको पता है हर एक चीज़ के अल्टरनेट बहुत सारे यूसेज होते हैं। सो देयर अराइसेस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आपको चॉइस करनी पड़ती है कि यार, जैसे मान लो कि अभी हमें स्टील है, क्या हमें वेपन बनाने के लिए ज़्यादा स्टील भेजनी चाहिए, क्या हमें अपने गाड़ियाँ बनाने के लिए स्टील भेजनी चाहिए, क्या हमें अपने फर्नीचर वगैरह वो जो घरों में यूज़ होता है क्या वहाँ भेजना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड करना पड़ता है, एक सही अमाउंट में, सही प्रोपोर्शन में सारी जगह रिसोर्सेज भेजने पड़ते हैं। तो यही कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है, यही बेसिकली आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसका की फैक्टर क्या है? आपका स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी इज अ की इफेक्ट ऑफ अ इकोनॉमिक लाइफ, है ना, आपको पता है, आपको एवरी पर्सन फेस अ स्कैरसिटी इन सम वे और द अदर। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी एवरीवेयर, एवरी कंट्री, एवरी पीपल, एवरी पर्सन ऑन द अर्थ फेस अ स्कैरसिटी, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू कंज्यूम मोर एंड मोर 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 एंड मोर देन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। ऑब्वियसली बात है, जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके, अगर मैं आज बोल दूँ कि आप जो खरीदना चाहो खरीद लो, तो आपकी कब नहीं होंगी नीड्स, अभी वो ख़त्म ही नहीं होंगी, आपको फिर आप बोलोगे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसे अगर सबको बोलेंगे तो, लेकिन रिसोर्सेज तो गुड्स तो रिसोर्सेज से बन रहे हैं, वो तो हमारे पास लिमिटेड है ना। सो द लॉ ऑफ स्कैरसिटी स्टेट्स दैट गुड्स एंड आर स्केर्स बिकॉज दे आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। क्योंकि रिसोर्स हमारे स्केर्स हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, इतने इतने वो नहीं है हमारे पास, क्या कह सकते हो आप, रिसोर्सेज नहीं है कि ताकि हम हर किसी को एक लिमिटेड अनलिमिटेड क्वान्टिटी तक प्रोड्यूस कर पाएँ। सो यही है, मतलब ऑलरेडी हमने हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो स्कैरसिटी अकर्स अमंग द पुअर एज वेल एज रिच, मैंने बोल दिया दोनों लोगों में, रिच पुअर भी होता है, कंट्रीज में भी, हर कंट्री को, इवन द रिचेस्ट पर्सन है, द रिचेस्ट एंड द रिचेस्ट पर्सन, उसको भी कोई ना कोई डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हो सकता है कि वो खरीदने के लिए पास पैसा लेकिन गुड्स ना हो, है ना, रिचेस्ट की प्रॉब्लम है, और पुअर के साथ ही आपको पता है कि उनके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। तो अपने लेवल पे स्कैरसिटी सबको होती है। सो स्कैरसिटी इंप्लाइज दैट पीपल मस्ट हैव मस्ट मेक अ चॉइस। तो कहने का मतलब है, स्कैरसिटी की वजह से ही यहाँ पे चॉइस, हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ी हो जाती है, कि हमें यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है ना, कि कौन सा गुड हम लें, कौन सा गुड ना लें, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो स्कैरसिटी एंड चॉइस गो हैंड इन हैंड या गो टुगेदर, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। सो लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज टू चूज। सो स्टूडेंट्स हैव, देखो अब यहाँ पर अलग दिखा है कि यहाँ पे हैमबर्गर चूज करना पड़ रहा है एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट को, हैमबर्गर और कोल्ड ड्रिंक के बीच में। एक गवर्नमेंट को कुछ अपने रिसोर्सेज देखना पड़ता है कि कहाँ रिसोर्सेज लगाएं, एजुकेशन में लगाएं, वॉर में लगाएं, आर्मी में लगाएं, है ना। एक फैमिली को डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ अपने अपने फंड्स करें। तो जो स्कैरसिटी प्रॉब्लम है, पूरी एक तरह की जो ऐसी डिजीज है, वो हर किसी को इफेक्ट करती है। थस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड अराइजिंग देयर फ्रॉम। इनफैक्ट सम इकोनॉमिस्ट लाइक रॉबिन्स एंड सैमुएलसन, अब आपको अगर चैप्टर वन में ध्यान भी दिया होगा, तो कई इकोनॉमिस्ट जैसे रॉबिन्स और सैमुएलसन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमारी स्कैरसिटी ऑफ चॉइस पे, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी इसी पे टिकी हुई है। अगर रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होते तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती, फिर कोई जितना जितना चाहे उतना प्रोड्यूस करता। लेकिन अर्थव्यवस्था मेनली इकोनॉमिक्स क्या है, कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को वाइसली यूज़ करें। खासकर इसके साथ एक और वर्ड यूज़ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सब चीज़ें बचा के रखनी है। तो आप समझ रहे होंगे पूरा इसका फ्रेम, पूरा इसकी पिक्चर क्या चल रही है।
अभी कि वाइट डस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट हो, फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको पॉइंट्स में इन्होंने दे दिया है। क्यों होती है? सबसे पहले वेरी सिंपल, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है, लोगों की वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले ये फंडामेंटल फैक्ट है ना कि लोगों की वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को मल्टीपल चीज़ें खरीदनी है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो नीड है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, वो रिकरिंग होते हैं, उन्हें बार बार, जैसे मान लो भूख लगी है तो फिर दोपहर में ही भूख लगेगी, है ना। गुड्स की डिमांड रिकरिंग होती है, इसलिए भी अनलिमिटेड होती है इसकी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उनकी एक ग्रीड है, ऐसा भी नहीं है, उसके रीजंस भी होते हैं। हो सकता है कि उनकी बॉडी की नीड हो, उनको मतलब जैसे पानी खाना है वो तो हमें चाहिए चाहिए, है ना, वो रीकरिंग होती है। तो ये भी रीज़न है कि ये अनलिमिटेड है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, जब तक इंसान है वो सब चीज़ें आपकी रहेंगी रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई इंडिविजुअल होता है तो वो एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस रखता है अपनी। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब है कि मान लो कि उसे पहले चीज़, मान लो उसके पास 10 रुपये हैं, तो सिर्फ उसके पास 10 रुपये हैं, आपके यहाँ पे स्कैरसिटी है इनकम की, तो वो ये क्या करेगा, वो मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि मतलब एक तरह का स्केल लगाएगा कि मुझे पहले ये चीज़ खरीदनी है फिर दूसरी चीज़ खरीदनी है। इसे बोलते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब गुड्स को एक तरह का ऑर्डर पे रखना कि क्या वो चीज़ पहले खरीदेगा, सिंस क्योंकि उसकी इनकम जो है वो है, तो जो सबसे प्रायोरिटी चीज़ है, जो उसे मान लो जो जैसे रोटी कपड़ा मंगाना है, आज की डेट में सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं रोटी कपड़ा मंगाना। ये तीन चीज़ तो हमारे पास सर्वाइव करने के लिए होनी ही चाहिए, फिर ही आप कुछ मूवी वगैरह देखने के लिए सोच सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि पैसे आपके खाने के लिए पैसे नहीं और आपको मूवी देखनी है ना, उसका कोई मैटर नहीं, वो ना ही आपको मूवी देखने का मन करेगा ना ही आप उसको अफोर्ड कर पाओगे बेसिकली उस टाइम। तो ये इस कहने का, इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है। ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 3 4 4 लाइन इसकी पता होनी चाहिए, दैट्स इनफ। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्स है। दूसरा ऑब्वियसली बात पॉइंट है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, आपका लेबर लिमिटेड है, इवन लेबर भी हम लोग इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन फिर भी अगर बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया की नहीं बात करेंगे, इकोनॉमी मतलब सबकी इकोनॉमी, तो वहाँ कई जगह लेबर भी लिमिटेड होता है। अब कैनेडा में बच्चे यहाँ पे इंडिया से क्यों इतने जाते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है इंडिया से, कई जाना 3 4 गुना बड़ी है, ठीक है। और वहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि उतना लेबर नहीं मिलता है उनको, तो इमिग्रेट कर रहे हैं बाहर के लोगों को, वो अलाउ कर रहे हैं कि आपके यूरोप में कई कंट्रीज हैं, है ना। तो दिस इज द रीजन ओनली दे आर अलाउिंग देम टू एंटर देयर कंट्री, है ना। कहीं में जमीन बहुत कम है, इंडिया में लैंड जो है लिमिटेड है, अब कैपिटल पैसा नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में दिक्कत है, उनके पास पैसा नहीं, कैपिटल नहीं है, क्लियर। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, लोग वहाँ पे कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हो सकता है कि वहाँ पे मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो, इन्फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है ना, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है बेसिकली, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, उसकी वजह से भी हमारा क्या है, जो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब है जितनी हमारी डिमांड है उस गुड्स की, उतनी हमारी सप्लाई नहीं है, इनसफिशियंट है, ठीक है। सो सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल इन द सोसाइटी प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स फुली। नो डाउट द सप्लाई ऑफ द गुड्स हैव इंक्रीज ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि मतलब इंक्रीज नहीं हुई है, हमने बड़ा उसे, जैसे मान लो कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि पहले ये माना जाता था कि भुखमरी फैल जाएगी क्योंकि लैंड लिमिटेड है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स, आगे पढ़ेंगे हम HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हमने सीड्स ही ऐसे मॉडर्नाइज सीड्स यूज़ करना शुरू कर दिया कि प्रोडक्शन भी 10 गुना से ऊपर हो गया ना, तो हमने जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंक्रीज़ कर दिया, मैनी टाइम्स मैनी फोल्ड इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, हमने सप्लाई भी इंक्रीज़ की है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम इशू तो रहेगा ही रहेगा स्कैरसिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ सर, रिसोर्सेज के अलग अलग यूज़ हैं, है ना। जैसे आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप भले व्हीट ही ले लो, व्हीट के भी अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड बनाना है, आटा बनाना है, उससे बिस्किट्स बनाने हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। वेजिटेबल्स के अलग यूज़ होते हैं, स्टील के अलग होगा, पीस ऑफ लैंड का अलग होगा। जैसे पीस ऑफ लैंड है, मान लो ज़मीन है, ज़मीन के भी अलग यूज़ हैं कि क्या आप व्हीट लगाओगे, वेजिटेबल लगाओगे, स्टील का मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्या आप फर्नीचर में यूज़ करोगे, क्या आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, क्या वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा, क्या आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो बहुत सारे चीजों के अलग अलग यूज हैं, उसकी वजह से भी बेसिकली स्कैर्सिटी हो जाती है, अगर एक में ज्यादा आपने लगा दिया दूसरा अपने आप ही स्कैर्स हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अल्टरनेटिव रिसोर्स होने की वजह से भी ये सब होता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी। सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द स्कैर्सिटी विद इन, तो मैंने बताया था कि स्कैर्सिटी की वजह से होता है, जैसी हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स है उस रिलेटिव में हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कम है, उसकी वजह से हमारी जो है स्कैर्सिटी होती है। देखिए इसमें बहुत एक एक चीज़ रिपीट करी हुई है बार बार, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए आपके बुक में, ठीक है। सिंस द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल इट्स वॉन्ट्स ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, आपको पता है, ठीक है। टू मेक अ चॉइस
इट इज़ टू विच वॉन्ट्स आर टू बी सेटिस्फाइड एंड विच वॉन्ट्स आर टू बी लेफ्ट अन फुलफिल्ड फॉर द टाइम बींग. तो हो सकता है कि कुछ टाइम बींग के लिए आप उसे कुछ चीज़ों को आप जो है प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है या उसकी बेसिकली सप्लाई को रोक दिया जाता है ना, कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी है. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे हमने जो रिसोर्सेज है वो मेडिकल पे ज़्यादा लगा दिए थे, है ना, कि वहाँ पे एम्बुलेंसेस वगैरह लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, बाकी बाकी चीज़ों पे जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन है या इस टाइप से हमने रिसोर्सेज जो है पैसा कम कर दिया था. तो वो डिमांड डिपेंड करता है टाइम सिचुएशन क्या है. सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड सोसाइटी हैज़ टू चूज बिटवीन द अल्टरनेट यूजेस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेसिकली क्या है कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपने अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाएं, बेसिकली वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसकी वजह से होती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी की वजह से. और प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपकी. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. सो इट मस्ट बी रिट्रेटेड दैट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज अ आउटकम ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. तो कहने का मतलब है आप कह सकते हो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेसिकली क्या है, वो प्रॉब्लम ऑफ यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल दो या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो कंबाइंड क्या है, इफेक्ट है अनलिमिटेड वॉन्ट्स, हम लोगों के अनलिमिटेड वॉन्ट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज. तो इसका एक तरह का एक फंक्शन है, बेसिकली समेशन है आप कह सकते हो. इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज इफ द वॉन्ट्स आर लिमिटेड. हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमारी वॉन्ट्स लिमिटेड होती, हमें कुछ खरीदना ही नहीं होता, है ना. तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हमारी जितनी जितनी ज़्यादा साइंस एंड टेक हमारी जब डेवलप करती जाएगी, हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बढ़ती जाएगी, है ना. बैक टू दी अगर आप टाइम जाओगे जब हम मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे आओगे, जब यहाँ पे हमारे कंट्री बहुत डेवलप्ड थी, अगर और भी पीछे आओगे जब मतलब आप कह सकते हो कि पीपल जो है सिर्फ गाँव में रहना पसंद करते थे, खुद उतना ही उगाते थे, तो उस हिसाब से उनकी नीड्स कम होती रहती. बट अब आज के टाइम में जितना साइंस एंड टेक डेवलप करेगी उतनी उसकी जो है नए नए गुड्स आएंगे और उसकी डिमांड है जो है बढ़ती जाएगी और रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड हैं. आपको बताइए, इवन इफ़ द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इफ द रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन अनलिमिटेड. लेकिन यहाँ तो ये होता कि अगर हमारे मतलब कि हमारी जो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है, तब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती. तो कहने का मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तभी होगी एक तो जब अनलिमिटेड हमारी नीड्स होगी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होगी प्लस लिमिटेड रिसोर्स होगा. यही कंडीशन की वजह से आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाएगी आपको. आई होप यहाँ तक आपको यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, सो इट्स ऑब्वियस दैट डिस्कशन. तो यहाँ पे हमने अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है. एक तो होती है हमारी वॉन्ट्स की वजह से, आपको पता है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, और एक हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो अगर हम लिमिटेड वॉन्ट्स देखें तो क्योंकि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड है ना, इसकी वजह से, और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो दो इसका दो बेसिकली समेशन ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ना. तो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, उसकी वजह से स्केल्स ऑफ अर्जेंसी आएगी. अर्जेंसी मतलब जो ज़्यादा अर्जेंट होगा उसको आप, है ना, वो करेंगे आप क्या करेंगे बेसिकली उसको 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 ज़्यादा उसको पहले खरीदेंगे बेसिकली, है ना, उसको पहले फुलफिल करेंगे, उसे बोलते हैं स्केल ऑफ अर्जेंसी. और ये है आपका अल्टरनेट यूज़. अल्टरनेट यूज़ का कहने का मतलब होता है कि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग जगह पे कहाँ रिसोर्सेज लगाने हैं वो चॉइस करनी पड़ रही है. तो बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. तो ये दोनों बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये अल्टरनेट यूज और स्केल ऑफ एवर्जेंसी दोनों ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. जो किसकी वजह से हो रही है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड की वजह से और रिसोर्सेज लिमिटेड की वजह से. तो कुल मिला के जितना भी हमने करक्स पिछला पढ़ा है यही पढ़ा है अभी तक. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो होती है दैट इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम. ठीक है, ये तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स निकल के आती है इकोनॉमी में. क्लियर, आप इसको रीड कर लीजिएगा, आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा. बिकॉज रीडिंग आपको खुद लगानी पड़ेगी, एक वर्ड एक एक सेंटेंस मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा. कोशिश हमें जितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको चैप्टर समझने के लिए कंटेंट जितना जरूरी है वो आपको मैं दे दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. पहले स्कैर्सिटी के बारे में बताइए, फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में बताइए, और फिर बताइए कि जो ये इसको बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट दैट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब होता है कि पूरे आपको आप कह सकते हो पूरे कंट्री के लेवल पे भी आपको देखने को मिलती है, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही बेसिकली आपकी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिलती है. ठीक है,